हेलो गाइस, मैं हूं सुखदेव और आज मैं बनने वाला हूं राइटर। जी हां, आज मैं बनने वाला हूं राइटर। बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक ऐसे राइटर बैठे हुए जो नवे आए खिलाड़ी के ऊपर मूवीज बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। हां, तो मैं भी राइटर बन ही सकता हूं यार। रे बाबा, ऐसा रोने का नहीं। एक तो बायोग्राफी बना ही दूंगा। बेचारे कैरम बोर्ड और चेस वाले तो यही वेट करते रह रहे थे कि उनके ऊपर कब मूवी बनेगी। खैर छोड़ो, जिंदगी में सब कुछ मिल तो नहीं सकता ना यार। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंजर और थोर को देख लो, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली पब्लिक को। लेकिन हमारी मार्वल फैंस डिज्नी को भी बोल रहे हैं, भाई चचा कुछ तो इंटरेस्टिंग दो। लेकिन नहीं दे रहे, क्यों मुझे नहीं पता। और सेटिस्फेक्शन नाम की चीज तो मिले, चलो ये रिव्यू इस मूवी का नहीं है, ये मूवी है इस मूवी का। तो गाइज, ये स्टोरी हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज के ऊपर बेस्ड है। लेकिन इस स्टोरी में खाली मिताली राज के ऊपर नहीं, उसकी पूरी टीम के स्ट्रगल के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपना एक नाम बनाने के लिए कितना जज्बा और कितनी शिद्दत लगाई उन्होंने अपने नाम को खड़ा करने के लिए। सर, हमारी भी तो कोई पहचान है। पांच वुमेन क्रिकेटर्स के नाम बताओ। सॉरी सर, किसी एक को तो पहचान ले यार। और इस नाम को उठाने के लिए इन्होंने कितना स्ट्रगल करा इस मूवी में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करा गया, लेकिन जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं कर पाए। चलिए देखते हैं। मैं 8 साल की थी जब किसी ने सपना दिखाया था, मेन इन ब्लू की तरह हमारी भी एक टीम होगी, विमेन इन ब्लू। हमारे क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाली ये महिला, जिन्होंने 22 साल 231 दिन हमारी क्रिकेट की दुनिया को दिए हैं, जहां पे सचिन तेंदुलकर ने 22 साल 91 दिन दिए हैं। और तो और, इन्होंने 6 टाइम वर्ल्ड कप प्ले करा है और ये दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कैप्टन्स में की लिस्ट में है। और इन्होंने सबसे ज्यादा रन अब तक बनाए हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम में। चलिए अब बात करते हैं मूवी की। मूवी की शुरुआत हैदराबाद के छोटे से शहर से होती है, जहां पे एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है कि वो कथक सीखने जाती है, और उसकी फ्रेंड नीरू जो उसका टैलेंट देखती है क्रिकेट के फील्ड में और उसको लेके जाती है अपने कैप्टन के पास। फिर वो कैप्टन उसके घर आता है, उसके बारे में बात करता है, फिर उसकी धीरे धीरे स्ट्रगल लाइफ सीखा जाती है। हालांकि मूवी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। पॉजिटिव पॉइंट्स इनकी एक्टिंग के ऊपर, जो एक्ट्रेस ने अच्छी एक्टिंग करी है, और कुछ अच्छे सॉन्ग्स। और तो और, इसकी एक्टिंग और स्क्रीन रोल प्ले इसको बहुत एक लेवल पर ले जाता है, क्योंकि मूवी इतनी हल्की हो चुकी थी कि अगर थोड़ी सी और हल्की होती तो यार तो हवा में उड़ जाती, लेकिन नहीं। इसमें नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को ये दिखने को मिले कि स्क्रीन रोल प्ले जितना हद तक होना चाहिए था शायद वो डायरेक्टर की वजह से नहीं हो पाया, और हालांकि मूवी हाफ मूवी सिर्फ ग्राउंड पे ही शूट हुई। टिक के दिखा, शक्ल अच्छी है तेरी, शादी बना, बच्चे बना, यहाँ कहाँ फंस गए तू। जो मेन थिंग थी वो तो एक साइड ही रखी गई, लेकिन मूवी के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए था वो नहीं आ पाया, क्योंकि हमारे मिताली राज ने 22 साल और 231 दिन हमारे इंडिया को दिए हैं, तो यार कुछ तो नेक्स्ट लेवल बनता है ना यार उसके लिए। और हाँ, अगर उन्होंने इतना कॉन्ट्रीब्यूशन तो एक बार देखना तो बनता ही है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड लव।